हेलो हेलो मनोज जी। हाँ जी। हाय, आप टी में रहते हो ना? जी बिल्कुल। मैं भी डी कॉम्प्लेक्स में ही रहती हूँ। मैं एक्चुअली ब्लॉक बी में रहती हूँ, आप डी में रहते हो। ओके जी, बोलिए। हाय हाय, एक्चुअली मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, तो मैंने आपका प्रोफाइल काफ़ी टाइम से देखा है। एक्चुअली हमारे सोसाइटी का जो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मिला आपका नंबर। ओके। तो आई हैव सीन यू, पहले भी मैंने देखा है, तो क्या आप चाय पे आ सकते हैं? मेरे हस्बैंड मेरा नाम रेनू है, मेरे हस्बैंड एक्चुअली बाहर गए हुए हैं, तो आई जस्ट वांटेड यू टू कम फॉर टी, एक बार आ जाते तो। सॉरी बट आई डिडंट गेट यू, आपके हस्बैंड बाहर गए, तो यू वांट मी टू कम एंड हैव अ टी विद यू? या एग्जैक्टली, एक्चुअली मैं आपसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ, मैंने काफी टाइम आपको देखा है, खास करके आपके बालकनी में बेंच प्रेस करते हुए, जिम करते हुए। यू हैव अ टोटल जिम सेटअप ना? Yes, so just a passion. You're very, very well built. I'm seeing it. However, thanks a lot for the compliment. Can you just come now? Just चाय के लिए बैठेंगे, बातें करेंगे। मेरे हस्बैंड बाहर है, तो just thinking कि अगर आप आ जाएं तो। Renu, are you sure about it? Like, you want me to come? Yeah, definitely. I just want you to come over, please. You can come. So you want me to come now, right? हाँ, भाभी जी कुछ mind नहीं करेंगे ना? नहीं, she is actually also not at home. However, अगर होती भी तो not have been any problem as such. तो just आ जाइए ना। ठीक है, alright. So which tower did you say? It's on the B block B, 6th floor. आप lift से आ तो नहीं सकते क्योंकि lift खराब है, तो वही एक problem है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक 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 हेल्प चाहिए थी आपसे। आप जैसे ही आते होंगे ना, तो नीचे हम लोगों का लिफ्ट के नीचे, एक्चुअली लिफ्ट के सामने गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है, वो उठा नहीं पा रहे थे, तो अगर आप वो लेते हुए आएंगे तो। यू नो, यू वेरी वेल बिल्ट, मैंने देखा है। दैट्स ओके, बट यू मीन योर गैस सिलेंडर आपका भरा हुआ है? वो नीचे है, हम उठा नहीं पा रहे हैं। मेरे हस्बैंड बाहर है ना, तो यू कैन कम एंड यू कैन जस्ट, लिफ्ट भी खराब है तो। सॉरी, यू वांट मी टू कम विद योर फिल्ड सिलेंडर, न्यूली डिलीवर्ड सिलेंडर? हां, बिकॉज़ आई हैव सीन यू, यू नो, लिफ्टिंग लॉट ऑफ वेट। मैंने बालकनी पे देखा है आपके, आप बहुत सारे वेट उठाते हैं, तो मुझे लगा कि आप ही होंगे वो। या ऑफ कोर्स, प्लीज आ जाइए ना, प्लीज। मैं अदरक वाली चाय बना के रखती हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द इनविटेशन। जल्दी आइएगा। हाँ, थैंक यू, थैंक्स मनोज जी, थैंक यू। हेलो, हाँ सर, सैलरी की बात कर ले, पैसे कितने लेंगे आप? सैलरी की बात किससे बात करनी है भाई? देखिए, सैलरी जो मिलेगी मिलेगी, वो बात अलग है, और उसके बाद में दिवाली, होली, दुर्गा पूजा है ना, ईद, ये सारे जो त्योहार हैं, इनमें आपको बख्शीश के पैसे मिलेंगे, वो अलग। कौन है भाई साहब, कौन हूँ? अरे भाई, आप सिलेंडर डिलीवरी का काम करते हैं ना, रेनू जी के घर जाने वाले हैं सिलेंडर लेकर के, तो हम वो गैस कंपनी से बात कर रहे थे, आपको हायर करना चाहते हैं। आप तो इतने वेल बिल्ट हैं, हस्ट पुष्ट की, मतलब एक बार में दो दो सिलेंडर उठा लेंगे, 30 किलो वजन उठा करके आराम से। एक मिनट, रेनू जी के हस्बैंड बाहर गए, तो आप सिलेंडर उठाने को तैयार हो गए? अच्छा, ओके, तो ये रेनू मैडम जी जो है, उन्होंने नंबर दिया आपको? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। अरे भगवान, प्रवीण जी, आप किसी को छोड़ते भी हैं? किसी को तो बख्श दे यार, सिलेंडर उठाना है। अब भैया, रेनू जी के घर मत चले जाइएगा आप। ओ, रख ही दिया इन्होंने।